वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्ज़ाम। तो देखिएगा, यहाँ पे हम कंप्यूटर्स का जो है क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप सभी को जो है कंटिन्यूस जो है वीडियोस रेगुलरली मिलेगा यहाँ पे। अभी जो है मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मैं जैसे जल्दी सही करवा लेता हूँ, वैसे फिर आपको जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी वीडियो ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो भी मोबाइल से जितना होगा मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी मतलब से कंप्यूटर्स के हैं, तो जो भी वैकेंसी निकलती हैं उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं। अभी जो मैंने देखा था एम पे हाई कोर्ट में निकला है, तो उसमें भी जो है आपका यहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो आप जो है यहाँ से कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे हमारे जो है 25 क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चन अगर आप सभी को आते हैं तो आप मेरे वीडियो में जो है नीचे कमेंट करते दीजिएगा, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटा सा बेल नोटिफिकेशन है उसको भी जो है प्रेस कर लेना है। तो चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन यहाँ टेस्ट करता है। तो जो आपका बूट रूटीन होता है वो क्या टेस्ट करता है? जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर चालू किया तो रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट और मेमोरी टेस्ट और पावर ऑन सेल्फ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पावर ऑन सेल्फ आपका यहाँ पे जो है चेक किया जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे डी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेनेंस नष्ट हो जाते हैं, तो मतलब ऐसा जो आपका कंप्यूटर जैसे बंद हो जाता है, बंद होने के बाद जो क्या होता है उसके जो है कंटेनेंस क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे स्टोरेज है, इनपुट है, आउटपुट है, और यहाँ पे जो है आपकी मेमोरी है। तो इनपुट आउटपुट आपका एक अलग है, स्टोरेज एक आपकी क्षमता है, और यहाँ पे सही आंसर जो है आपका डी होगा, यानी कि मेमोरी। आपने देखा होगा दो प्रकार की आपकी मेमोरी होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन से भी आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या है, यानी क्या है, या मतलब ये जो सारे ऑप्शंस दिए हैं उनके हिसाब से आपका यहाँ पे क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनसे प्रोसेसिंग संभव होता है, में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग से परिणत होने वाली सूचना कंप्यूटर में डाटा प्रोग्राम कमांड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है हमारा ये है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनमें जो है प्रोसेसिंग क्या होती है, संभव होती है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा या दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है, तो इसमें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और टाइम शेयरिंग और मल्टीपल प्रोसेसिंग होता है। तो आपको यहाँ पे ये दो बात ध्यान में रखना है कि द्वारा जो आपका है मल्टीपल प्रोसेस है उसमें दो या अधिक प्रोग्रामों का जो है यहाँ पे साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, या निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पे जो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे कहलाता है, यानी कि डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें आपसे कहा है कि जो यहाँ पे पहले ब्लैंक स्थान है, इस ब्लैंक स्थान में जो है आपको इन ऑप्शन में से जो यहाँ पे भरना होता है। तो सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को ISP से अलग करते हैं। तो आपने जब भी ईमेल देखा होगा उस ईमेल में जो है आपका @ यूज किया जाता है, तो आपका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है, यहाँ पे @ है, और जो एड्रेस यूजर होता है और इससे पहले एक नंबर डिजिट भी होते हैं आपके, तो यहाँ पे उनको भी जो है आपको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त प्राय का प्रयोग करेंगे हैं, और यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें से जो है ब्लैंक स्थान वाले ज़्यादा आते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है, टर्मिनल, नॉट, डेस्कटॉप और हैंड हेल्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि सैंपल पेपर्स मैं तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और सैंपल पेपर का जो है आपको कल मॉर्निंग से या फिर आपको लगभग शाम में आपको उसका सैंपल पेपर का जो है वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही आप ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना, इससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। सभी डिलीटेड फाइल
में जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम जो कोई भी फाइल होती है उसको जो डिलीट करते हैं या डिलीटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिलीटेड फाइलें आपकी कहाँ पे जाती हैं, रिसाइकल बिन में या टास्क बार में या टूल बार में या माय कंप्यूटर में। तो आपको ये पहले से ही पता होगा यहाँ पर जो भी फाइल होती हैं वो रिसाइकल बिन में यहाँ पर चली जाती हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया है कि विंडोज डेस्कटॉप पर द्वारा जो विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो वो प्रयोग किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो वो होती क्या है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो एक मतलब प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आपने जो आपकी डेस्कटॉप होती है उस डेस्कटॉप के द्वारा देखे गए होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो एप्लीकेशन है और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका यहाँ पे विंडोज़ डेस्कटॉप है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है, एक प्रतीक है, लेवल है, ग्राफ है, आइकन है। तो जो भी हम यहाँ पे एप्लीकेशन होती हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, एक आइकन के रूप में हमारे के लिए जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ऊपर पहले ही हमारा क्या दिया था, यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये डेस्कटॉप पे जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, एक आइकन होता है, यानी कि आपका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है जिसमें कहा गया है आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी है उसको ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं। तो परमानेंट मेमोरी जो है आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे जो कि आपकी रोम है, और नॉन परमानेंट मेमोरी जो है आपकी रैम है, इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम की रीड ओनली मेमोरी है। सीपीयू का अभी बताया था मैंने कि यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्योंकि पहले एक प्रश्न निकल चुका है। सीडी का यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि रोम सही आंसर है जो कि आपकी एक परमानेंट मेमोरी कहलाती है और नॉन परमानेंट मेमोरी यहाँ पे आपकी रैम कहलाती है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, तो प्राइसेस कहेंगे या OCR कहेंगे या स्कैनर्स कहेंगे या यहाँ पे जो है बार कोड कहेंगे। तो प्रिंटेड जो लाइनें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे बार कोड कहा जाता है। ऐसी कुछ लाइनें होती हैं जिसमें आपकी छोटी सी बड़ी सी कुछ लाइनें होती हैं जिन्हें यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कुंजियाँ कहते हैं, तो ये जो है किस प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, या जो अल्ट है, शिफ्ट है और कंट्रोल का जो की आप यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो मॉडिफायर है या फंक्शन है या अल्फा न्यूमेरिक है या एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे जो कुंजियाँ हैं आपकी मॉडिफायर कहलाती हैं, यानी कि आपका यहाँ पे ए सही होगा। और अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ से पूछा गया है कि मुफ्त में प्रयोग किए जा सकने वाली कॉपी राइटर सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपने देखा होगा कि जो मुफ्त में हैं क्या हैं, मुफ्त में यानी फ्री हैं, तो जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं और या कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, यहाँ पे जो शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, ग्रुपवेयर है और ईमेल है। तो जैसे नाम से पता चला है शेयरवेयर शेयर करता हुआ, फ्रीवेयर यहाँ पे आपका सही आंसर है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, बी सही आंसर है, ग्रुपवेयर में आपका ग्रुप होगा और ईमेल तो जो है आपका एक अलग ही है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, तो जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो जो भी हमारे फिजिकल फिजिकल के इस प्रकार के डिवाइस या वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें जो है मोस्टली हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर जो हमारा होता है उसमें सिस्टम में आने वाली जो सभी चीज़ें जैसे CPU हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ और डेस्कटॉप है, तो जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं यानी फिजिकली है तो उनको जो है हम यहाँ पे हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है इसमें कहा गया है आपसे डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, तो यहाँ पे मतलब जो आप डाटा स्टोर करते हैं और क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेशन करता है, तो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा डेसिमल होते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो है आपका बाइनरी सिस्टम्स यूज होता है और यहाँ पे जो है डिजिट दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे जो डाटा स्टोर करते हैं वो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, ए आंसर है। और इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल जो है क्या क्या होते हैं वो वहाँ पे मैं समझाऊंगा।
अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ से पूछा गया है कि टैक्स की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए कुंजी प्रेस कीजिए। तो जब भी आप जैसे कोई टैक्स होता है उस टैक्स को आपको लिखना होता है, उस टैक्स जैसे आप टाइप करते हैं लिखा हुआ होता है तो उसके जो है आरंभ में जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यूज, यहाँ पे हॉम का यूज करेंगे, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जिसमें आपसे कहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता स्वीकार करने में सहायता करता है। विंडोज़ है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, DBMS है और ए और बी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हम कंप्यूटर्स में प्रोग्राम होते हैं जिसमें जो सेट होते हैं, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है एक विंडोज़ की और साथ में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यानी कि इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा यानी कि डी आंसर होगा, ए और बी। अब जब भी आप अपना जो सिस्टम्स है उसमें प्रोग्राम तो होंगे ही होंगे, सिस्टम्स है और उसमें सॉफ्टवेयर होगा, विंडोज़ होगा। DBMS जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसका जो है यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ए और बी यानी कि आपको जो है डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पे समझ सकें और प्रयोग कर सकें यानी कि प्रोजेक्ट ग्राफ इन्फॉर्मेशन या प्रेजेंटेशन, तो जो भी प्रेजेंटेशन करेंगे या प्रेजेंटेड डाटा होगा आपका, तो वो क्या है एक इन्फॉर्मेशन के रूप में होगा जिसे आप उसे जो है प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे अटैचमेंट है, हाइपर लिंक है और मेल बॉक्स है, IP एड्रेस है। जब भी आप अटैच करते हैं फाइल जो भी होती है आपकी यहाँ पे ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया, यानी कि आप क्या करते हैं मेल बॉक्स का यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कंप्यूटर सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेटेड करने वाला टर्म है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कि आप जो भी फंक्शंस एनलिटी होती हैं यानी उन्हें बढ़ाना है, इम्प्रूवमेंट करना है, और जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम्स में अपना फंक्शनलिटीज यानी कई अन्य सारी चीज़ों को इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला एक जो टर्म होता है वो होता है आपका पेरिफेरल डिवाइस होता है। जैसे ही आप इन डिवाइसों को कनेक्ट करेंगे तो इस पे जो है उसकी यहाँ पे फंक्शनलिटी जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको करना क्या है इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए यहाँ पे आपको पूछा हुआ है। तो जो भी जैसे आप यहाँ से जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को ज़रूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस, तो यहाँ पे बिल्कुल कहा जा रहा है कि कीबोर्ड या माउस जैसे एक का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस कहलाएगा, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है जो है आपका एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो इसमें जो कि आपका जो यहाँ पे प्रोसेसिंग आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है वो है आपकी पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे कहलाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक जो मैं आपको यहाँ पे टारगेट नहीं देता था अब टारगेट देता हूँ आपको 100 लाइक्स वीडियो पर। जो भी लोग हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पे इसका जो है आंसर होगा बी यानी कि मेमोरी आपका होगा, अस्थायी रूप से होल्ड करता है वो क्या होता है आपका मेमोरी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है सी बेसिक कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये जो कोबोल है और जावा है तो ये जो है आपकी क्या होती हैं एक लैंग्वेज होती हैं, और जो लैंग्वेज हैं वो हैं एक आपकी हाई लैंग्वेज यहाँ पे हैं। तो अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है जो है आपका रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर कहा जा सकता है,
तो जो रैम है उसका फुल फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ और फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डली हुई है, तो वो आप देख सकते हैं ए टू जेड, यानी कि ए से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है और जेड तक है वो सारी फुल फॉर्म का वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप पहले लिस्ट से ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे जो है रैम जो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वो जो है ये ऑपरेटिंग रूम यहाँ पर देता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है और ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे मतलब इंस्ट्रक्शन होता है पहले से निर्धारित होता है वो किस चीज़ में होता है, वो होता है आपके प्रोग्राम में पहले से ही सेट जो यहाँ पे कर दिया जाता है। तो प्रोग्राम्स यहाँ पे जो है ये आंसर सही होगा। और अभी जो है लाइक का ऑप्शन मैंने आप सभी के लिए रखा है कि आप 100 लाइक्स जरूर रखिएगा वीडियो को, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स।